मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। ऑनरेबल मेंबर, 100 करोड़ रुपए ऑनरेबल मेंबर मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। किसान सम्मान निधि के तहत 1,13,000 करोड़ एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंचाया गया। प्लीज, फसल नुकसान जो हुआ है किसानों का, पंद्रह लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ, मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। ऑनरेबल मेंबर, 100 करोड़ रुपए ऑनरेबल मेंबर मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज प्लीज कराची, प्लीज सिट डाउन। आप 100 करोड़ जी, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, आप ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, नहीं तो और मैं खोलूंगा अपना मुंह। प्लीज 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 टेक योर प्लेसेस, एक्सेप्टिंग द ऑनरेबल मेंबर, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्लीज तो वसूली कर रहे हैं गरीबों से, प्लीज रेस्टोरेंट वालों से, प्लीज एड्रेस द चेयर। 1,00,000 की बात करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, एड्रेस द चेयर प्लीज। सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी, गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल के दाम। प्लीज प्लीज, ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। ये असलियत है कि दामे बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है उसका अगर खर्चा आप निकालो, तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है, लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते, अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है ऑनरेबल मेंबर, डीजल का। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज एड्रेस द चेयर। यहां सिंधिया जी, आप लोग प्लीज प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज टेक योर सीट। नहीं उठाते, और यही इतना कहना चाहता हूं, प्लीज एड्रेस द चेयर सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। जिनके प्लीज 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 ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। सभापति महोदय, कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सभापति महोदय, विषय यह है कि कृषि के क्षेत्र में भी आयात के कुछ वस्तुओं पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जरूर हमने लागू किया है, और उसका कारण है ताकि कृषि की अधोसंरचना में हम लोग बढ़ोतरी की कर पाएं, उत्पाद के फूड वैल्यू चेन में हम किसानों को आगे बढ़ा पाए। और सरकार ने यह नीति बनाई है कि अधोसंरचना ही आत्मनिर्भर भारत की नींव हो सकती है। और मकान अगर मजबूत करना है सभापति महोदय, तो उसकी नींव मजबूत होनी ही होगी।